सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है BGMI टेस्ट के ऊपर। सो गाइज आज हम करने वाले हैं BGMI टेस्ट हमारे आईफोन XR में, और साथ में हम यूज करेंगे एयर कूलर जो कि हमारे पास है स्पिन बोर्ड का। एंड देखते हैं कि स्पिन बोर्ड एयर कूलर के साथ यानी कि नॉर्मल मोबाइल एयर कूलर के साथ हमारा आईफोन XR कैसा परफॉर्म करता है, हमें लैग देखने मिलता है या फिर नहीं मिलता iOS 16 पे एयर कूलर के साथ। तो यही होने वाला है इस वीडियो में। एंड एक घंटे तक मैं गेम प्ले करूंगा, BGMI टेस्ट करूंगा एयर कूलर के साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा एयर कूलर और आईफोन XR दोनों मैंने अटैच कर लिए हैं। एंड यहाँ पे आप लोग बैटरी भी देख सकते हो, 95% मेरी बैटरी हो रही है। और यहाँ पे आप लोग टाइम भी देख सकते हो, 11:08 हो रहे हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना गाइस, तभी आपको पता चलेगा कि एयर कूलर के साथ हमारा आईफोन XR कैसा परफॉर्म करता है और एयर कूलर के साथ हमारा आईफोन XR वर्थ इट भी है या फिर नहीं। एयर कूलर लेना आईफोन XR या फिर आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 के लिए वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो मैं सब बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड अभी एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइज यहाँ तक हमें खेलते हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका था। एंड अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो, 74% मेरी बैटरी हो रही है। और यहाँ पे आप लोग टाइम भी देख सकते हो, 11:38 हो चुके हैं यानी कि 11:38 हो चुके हैं। एंड हम पूरे 30 मिनट्स खेल चुके हैं। 11:08 पे हमने खेलना स्टार्ट किया था और अभी 11:38 हो रहा है यानी कि एग्जैक्ट 30 मिनट्स हमको हो चुके हैं खेलते हुए। और इतने देर में जो कि हमारी बैटरी ड्रेन हुई है वो है 21%। तो गाइस हमारी बैटरी ड्रेन हमारे iOS 15 जैसे ही हो रही है iOS 16 पे भी। और एयर कूलर से इतना कुछ बैटरी ड्रेनिंग पे तो नहीं फर्क पड़ रहा है, मतलब बैटरी बराबर ड्रेन हो रही है जितनी ड्रेन होती है। और गाइस अगर मैं लैग वगैरह की बात करूं और फ्रेम ड्रॉप्स की बात करूं और एयर कूलर की बात करूं, तो लैग फ्रेम ड्रॉप्स तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखने मिले। एंड एयर कूलर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, फोन को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देता। एंड अगर मैं बिना एयर कूलर के साथ खेलूं तो मेरा जरूर से लैग और फ्रेम ड्रॉप हो ही जाता है। एंड आपको पहले की वीडियोस में भी दिखा होगा BGMI टेस्ट में कि हमारा लैग और फ्रेम ड्रॉप होता है या फिर नहीं बिना एयर कूलर के साथ। तो गाइस अभी आगे गेम प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि आगे एयर कूलर हमको कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है हमारे आईफोन XR की, एंड हमारा फोन लैग होता है या फिर नहीं, फ्रेम ड्रॉप्स करता है या फिर नहीं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आपको एयर कूलर, मोबाइल एयर कूलर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और आपके आईफोन के लिए कैसा रहेगा ये, तो मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना एंड अभी एंजॉय करो गेम प्ले को। Been faking me out.
so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-waves been faking me out. Can't make you happier now. तो गाइस यहाँ तक हमें खेलते हुए 1 आवर कंप्लीट हो चुका था एंड अब आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 52% हमारी बैटरी हो चुकी है और यहाँ पे आप लोग टाइम भी देख सकते हो 12:08 हो रहे हैं एंड आप ये भी देख सकते हो कि मैंने एयर कूलर अटैच कर रखा है अभी तक और 1 आवर हमको एग्जैक्ट पूरा कम्प्लीट हो चुका है खेलते हुए। एंड गाइस अगर मैं सच सच बताऊँ तो लिटरली कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेस करने नहीं मिली एयर कूलर के साथ। बहुत ही आराम से और स्मूथ गेम प्ले हो रहा था हमारे iPhone XR पे और जिस ग्राफिक सेटिंग्स पे मैं खेल रहा था वो थी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS। और गाइस अगर मैं बैटरी ड्रेन की बात करूं तो बैटरी ड्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी, एयर कूलर ने कुछ भी इफेक्ट नहीं दिया बैटरी पे, यानी कि जितनी बैटरी हमारी बिना एयर कूलर के ड्रॉप होती है उतनी ही मेरी बैटरी एयर कूलर के साथ ड्रॉप हो रही थी। तो बैटरी ड्रेन करने में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिया है हमारे एयर कूलर ने, बस फोन को ठंडा रखा जिसने ये हेल्प की कि हमारा फोन लैग नहीं हुआ और फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हुए। और गाइस अभी बात कर लेते हैं कि आपको ये एयर कूलर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अगर आपके पास आईफोन है और अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये एयर कूलर लेना है क्योंकि आपका आईफोन होता है लैग, तो आप जरूर से ये एयर कूलर ले सकते हो। आपका लैग बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप ये लगा के खेलोगे लगातार 2-3 घंटे 5 घंटे आराम से आपकी गेमिंग होगी बिना लैग के, अगर आपका अभी लैग होता है तो। और अगर मैं एंड्रॉइड यूजर्स की बात करूं तो एंड्रॉइड यूजर्स भी ले सकते हैं, उनका भी लैग और फ्रेम ड्रॉप्स काफी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आपके फोन की ग्लास बॉडी हुई पीछे से तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये एयर कूलर, क्योंकि ग्लास पे ये और अच्छे से वर्क करता है एंड और अच्छे से फोन को ठंडा रखता है ताकि फोन लैग ना हो। तो गाइज आप ये एयर कूलर ले सकते हो एंड यही था आज के हमारे इस वाली वीडियो में। और इस एयर कूलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगा देखने, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो एंड वहां से परचेस करोगे तो मेरे को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, 5-10 रुपए ही मिलते हैं, ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। तो हो सके तो वहां से आप परचेस कर लेना अगर परचेस करने का सोच रहे हो तो एंड हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे डिसलाइक किसी को दिखता नहीं है तो करने का भी कोई फायदा नहीं है। और मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और मजेदार वीडियो में। चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।